गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग लेसन 3 क्लीनलीनेस चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्लीनलीनेस का अर्थ होता है साफ सफाई। तो सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स को देखेंगे। बॉयल मीन्स उबालना, क्लीनलीनेस मीन्स साफ सफाई, कंटेनर मीन्स पात्र, कुक मीन्स पकाना, अर्थनवेयर मीन्स मिट्टी का बर्तन या घड़ा, जर्म्स मीन्स जीवाणु या विषाणु, गॉडलीनेस मीन्स देवी का वास, इलनेस मीन्स बीमारी, इंटरवल मीन्स अंतराल, लैडल मीन्स पानी निकालने वाला डल्लू, प्रिवेंट मीन्स रोकना, प्लास्टर मीन्स प्लस्तर, पॉसिबल मीन्स संभावना, रिमूव मीन्स हटाना, थर्ली मीन्स पूरी तरह से, यूटेंसिल मीन्स बर्तन। तो चलिए अभी हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एन ओल्ड सेइंग सेज, एक पुरानी कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। एक पुरानी कहावत है कि जहाँ साफ सफाई हो वहाँ देवी का वास होता है। वी कैन प्रिवेंट मेनी इलनेसेस बाय वॉशिंग आवर हैंड्स विथ सॉप एंड वाटर बिफोर टेकिंग फूड। हम लोग बहुत सी बीमारियों को रोक सकते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से धोकर भोजन लेने से पूर्व। वॉशिंग विथ वाटर एंड सॉप रिमूव जर्म्स, साबुन और पानी से हाथ धोने से जर्म विषाणु हट जाते हैं। क्लीन वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, शुद्ध जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोज हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज गेट पाइप वाटर, वे लोग जो शहरों में, जो नगरों में और शहरों में रहते हैं वे पाइप से पानी प्राप्त करते हैं। इन विलेजेस ट्यूब वेल और डीप हैंडपम्प्स आर कॉमन, गाँवों में चापा नल और कुएं सामान्य तौर पे पाए जाते हैं। दोज हु नो हाउ टू यूज वाटर वेल हैव बीन फाउंड विथ फ्यूअर इलनेस, वे लोग जो पानी का इस्तेमाल करने जानते हैं उन्हें उनमें कम बीमारियां पाई जाती है। देयर आर ऑल्सो ओपन वेल्स इन मैनी प्लेसेस, बहुत सी जगहों में खुले कुएं पाए जाते हैं। पीपल ड्रो वाटर फ्रॉम दिस बाई यूजिंग बकेट्स टाइड ऑन रोप्स, लोग इनसे पानी बाल्टी को रस्सी में बांधकर पानी निकालते हैं। दे स्टोर द वाटर फॉर डेली यूज इन जार एंड अर्थनवेयर पोट्स, वे लोग प्रतिदिन का यूज प्रयोग के लिए पानी को मिट्टी के बर्तनों में, बड़े जार और मिट्टी के घड़ों में इकट्ठा करते हैं। दीज कंटेनर शुड बी वेल कवर्ड, इन पात्रों को अच्छी तरह से ढककर रखना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप द वेल ऑल्सो वेल कवर्ड, और यह भी महत्वपूर्ण है कि कुओं को अच्छी तरह से ढककर रखना चाहिए। वेन टेकिंग वाटर फ्रॉम कंटेनर क्लीन लैडल शुड बी यूज, जब कंटेनर से पानी निकाला जाता है साफ लैडल का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ एनी वन टू पुट हिज और हर हैंड्स इनटू द कंटेनर, हमें किसी को भी उनके हाथों को कंटेनर में रखने नहीं देना चाहिए। नोर शुड दे बी अलाउड टू ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेनर्स, और ना ही उन्हें अलाउ करना चाहिए कि वह डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से पात्र से पानी पिए।
If we are not very sure about the cleanliness of the water, it is a very good practice to boil the water for about 5 minutes and then cool it before drinking it. यदि हम शुद्ध जल के बारे में निश्चिंत नहीं होते तो एक पानी का प्रयोग करने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि उसे 5 मिनट तक गर्म करने के बाद पीने से पहले उसे ठंड कर लेना चाहिए। If boiling is not possible, store drinking water in a covered container of clean plastic and leave it standing in the sunlight for a couple of days before using it. यदि पानी उबालना संभव नहीं है तो पीने वाले पानी को एक प्लास्टिक के कंटेनर में अच्छी तरह से ढक कर उसे सूरज की रोशनी में 2 दिनों तक छोड़ देना चाहिए। उसे इस्तेमाल करने से 2 दिन पहले उसे सूरज की रोशनी में 2 दिनों तक ढककर छोड़ देना चाहिए। So far as food is concerned, we must make sure that food is thoroughly cooked. और जहाँ तक संभव हो सके भोजन को अच्छी तरह से पकाना चाहिए। As far as possible, food should be eaten soon after it has been cooked. और जहाँ तक संभव हो भोजन को पकने के तुरंत बाद ही खाना चाहिए। If cooked food is used after a long interval, it should be reheated. यदि पके हुए भोजन को कुछ समय बाद खाना हो तो उसे पुनः गर्म कर लेना चाहिए। The utensils should be kept clean. बर्तनों को साफ रखना चाहिए। Keep food clean and covered and away from flies, rat, mice and other animals. भोजन को साफ और ढक कर रखना चाहिए और मक्खियों, चूहे और दूसरे जानवरों से दूर रखना चाहिए। If you keep yourself clean, you can avoid many illness. यदि आप खुद को साफ रखते हो तो आपको बहुत सारी बीमारियां से आप दूर रहोगे। तो इस चैप्टर में दिया हुआ है कि अपने परिवेश को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और पानी, विशेषकर पानी हमेशा शुद्ध, जो हम पानी पीने के लिए प्रयोग करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए और साफ जल पीना चाहिए और बर्तनों को हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए। विशेषकर कि हम अगर अपना परिवेश को और खुद को साफ सफाई रखेंगे तो हमें बहुत कम बीमारियां होती हैं। थैंक यू।